भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि प्रदेश में अभी तक नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना, सेना ने चलाया तलाशी अभियान। बता दें कि गुलमर्ग सेक्टर के बोटा पथरी इलाके में और उससे सटे बारामूला के बोनियार इलाके में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा अचार 3% बढ़ा, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर प्रदेश भर के 4,00,000 कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। जम्मू से लेह के लिए अब सप्ताह में 3 दिन उड़ान, पर्यटकों को मिलेगी बड़ी राहत। लद्दाख में अधिकतम सर्दी के मौसम में सड़कें बंद होने से परेशान यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू से लद्दाख के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो ने जम्मू लेह के बीच सप्ताह में मंगलवार, वीरवार और रविवार को सीधी उड़ान शुरू की है। अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल, 2 दुकानदारों पर मामला दर्ज। दीपावली पर्व पर चोरी छुपे दुकानों पर पटाखों का भंडारण कर उसे बेचने वाले दुकानदारों पर जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। शहर के रिहाड़ी और अम्फला में पुलिस ने 2 दुकानों से पटाखे बरामद किए, दोनों के विरुद्ध पकड़डंगा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली के कई बाजारों में दिवाली से पहले भीड़ बढ़ाई गई सुरक्षा। दिवाली से पहले दिल्ली के कई बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी में त्योहारी सीजन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 100 करोड़ वसूली कांड में अदालत ने अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। वसूली कांड के अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उनके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की ओर से कई बार छापेमारी की कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव भाजपा की करारी हार, 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की जीत। पश्चिम बंगाल की ओर से विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है।